अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर के शिलान्यास एवं भूमि पूजन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं करनाल के विभिन्न स्थानों पर भी श्री राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं प्रसाद वितरण किया, जिसके चलते मॉडल टाउन में पार्षद गिन्नी एवं उसके साथियों द्वारा हलवे का प्रसाद वितरित किया गया एवं आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पहुंचकर सभी को शुभकामनाएं दी और मंदिर निर्माण के इस कार्यों को निर्विघ्न पूरा होने की कामना की। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे होते हुए यह ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जिसके हम साक्षी हैं। मंदिर निर्माण हिंदुओं की काफी पुरानी मांग चली आ रही थी, जिसको संवैधानिक तरीके से अदालत के माध्यम से आने वाली अड़चनों को दूर कर आज ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया गया है। उन्होंने करनाल वासियों से आह्वान किया कि अपने घरों में 5 दीप अवश्य जलाएं और आज के दिन को दीपावली के रूप में मनाएं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। एक नारा, एक इमाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का कार्यक्रम पूरे देश में एक दीपावली का कार्यक्रम है और आज जिस तरह से रामनंद मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस समय वहाँ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि शहर के हर कोने में, हर जगह पर हर कार्यकर्ता, हर राम भक्त खुश है इस बात के लिए कि आज भगवान श्री राम को स्थापित करने के लिए आज शिलान्यास का अवसर जो है हमारे इतिहास में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इसका साक्ष्य होने का प्रमाण मिले हैं। और हमें भी खुशी की बात है कि जो बात हम सालों से सुनते आ रहे थे और इस युग का, मैं कहूँ कलयुग का एक ऐतिहासिक दिन है जब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। आप देखेंगे कि एक भव्य मंदिर जिसकी भावना के साथ जुड़कर जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं वो आगे आने वाली दिशा में दिख भी रहा है। मैं सभी को, राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई जी को आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ मॉडल टाउन में हलवा बांटकर हमारे पार्षद भाई गिन्नी, हमारा बेटा शुभम और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर जो आयोजन किया, खुशी के माहौल में पटाखे जलाकर हलवा बांटकर एक खुशी मनाई है। भगवान इंद्रदेव भी स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दीप जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल आज का दिन दीपावली की तरह है। कोई हवन करके, कोई पूजन करके, कोई मंदिर में पूजा करके, कोई हलवा बांटकर, कोई लड्डू बांटकर और रात के समय पूरा देश एक दीपावली की तरह दिए जलाकर अपने घर में 5 दिए जलाए, चाहे किसी भी तरह से मंदिर में, अपने आसपास के परिसर में, ताकि हमें ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज के दिन भव्य मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ। आने वाले समय में मंदिर का निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी पूरा होगा। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.